स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन सेक स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x। तो इसको मैं बताता हूँ आपको करने का सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन हो गया हमारा, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो सेक सेक स्क्वायर, हमें एक फार्मूला मालूम है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो हम जो है इस सेक स्क्वायर को, सेक इसको थीटा मान लीजिए आप, तो इस सेक स्क्वायर थीटा को जो है हम टेन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे इसमें, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x, ठीक है ना, क्योंकि 2x थीटा है। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो हमने इस सेक को जो है टेन में कन्वर्ट कर दिया और इज इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। और हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं बिकॉज सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला हमने ये सेक स्क्वायर थीटा पे लगा दिया, ठीक है ना। तो इसको हमने खोल लिया। अच्छा, अब इसके बाद क्या करते हैं, ये 1 और ये 1, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा, या एक काम करते हैं इसको इधर ले आते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, तो ये इसको ऐसे ही रख देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x, और ये 1 प्लस का ये इधर आएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, और ये 10 2x जो है माइनस का ये इधर आया तो +10 2x हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये 1 और ये 1 आपस में कैंसिल हो गए। तो अब हमारे पास आ गया 10 स्क्वायर 2x +10 2x। ठीक है, अच्छा, अब 10 2x और 10 2x ये हम कॉमन ले सकते हैं, तो इसको हमने 10 2x को कॉमन ले लेते हैं। तो 10 2x कॉमन लिया हमने, तो अंदर हमें क्या मिला, हमें अंदर मिला 10 2x, और ये हमने कॉमन ले लिया तो ये हमारा +1 हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अब इस इक्वेशन में जो है 10 2x को एक बार 0 से इक्वेट कर लेंगे और 10 2x+1 को 0 से इक्वेट कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 10 2x इज इक्वल टू 0 और 10 2x+1 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको करते हैं कैलकुलेट, इसके जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो 10 2x यानी कि 10 0 कहाँ कहाँ पर होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ, अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ। तो आप मेरी पिछली वीडियोस अगर देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल में समझ आ जाएगा कि ये 10 sin cos ये 0 कहाँ 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 पर होते हैं, ठीक है ना। तो 10 जो है वो n पाई पे जो है 0 होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 2x इज इक्वल टू एन पाई, और एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू एन पाई बाई टू। तो एक सॉल्यूशन हमारा ये आ गया इसका, जनरल सॉल्यूशन 10 2x का, ठीक है ना। अच्छा, अब हम इसको करते हैं। तो ये हमारा हो गया 10 2x इज इक्वल टू +1 को इधर लाएंगे ये -1 हो जाएगा, ठीक है ना। और अब इसका हम निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने से पहले क्या है कि हमें इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है ना। पहले इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, क्योंकि तो इसमें हमें देनी पड़ेगी ना थीटा की वैल्यू, उसमें देनी पड़ेगी, क्योंकि तो ये मैंने आपको लिखवाई थी यहाँ पर इसकी जो थ्योरम थी। तो 10x इज इक्वल टू 10y होता है और
एक्स जो होता है एन पाई प्लस वाई। तो वाई क्या है, वाई बेसिकली प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो जनरल सॉल्यूशन इसका निकालने से पहले हमें जो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, थीटा है या वाई है, ये इसे हमें निकालना पड़ेगा। तो इसलिए हम जो है इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं हम, तो ये नेगेटिव साइन को हम हटा के देखते हैं। तो टेन की वैल्यू वन कहाँ पर होती है, हम जानते हैं कि 45 डिग्री पे टेन जो है वो होता है वन होता है, ठीक है ना। तो इसको हम फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन 2x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई फोर, ठीक है ना। ये 45 डिग्री है तो इसको हमने रेडियन में लिखा, पाई बाई फोर हो गया ये। अच्छा, अब जो है हम इसका देखते हैं कि ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में जो है हमारा पड़ेगा। तो ये हम क्वाड्रेंट बना देते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब टेन जो है नेगेटिव वैल्यू कहाँ कहाँ पर होंगी, तो नेगेटिव वैल्यू यहाँ तो सब प्लस में होते हैं, ठीक है ना। यहाँ हमें एक नेगेटिव मिलेगा टेन सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पॉजिटिव होता है तो एक फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें नेगेटिव मिलेगा। तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें टेन जो है वो नेगेटिव मिलेगा, तो हमें नेगेटिव ही लेना है। अच्छा, पाई बाई फोर यानी कि 45 डिग्री, तो यहाँ हम 45 डिग्री का एंगल बना लेते हैं, एक साइड बना लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस को बेस लेके, ठीक है ना। ये भी एक्स एक्सिस को बेस लेके, तो ये हमारा हो गया 45 डिग्री और ये हमारा हो गया 45 डिग्री। तो एक्चुअली हमें एक ही वैल्यू की ज़रूरत है, ठीक है ना, जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो हम एक काम करते हैं, छोटा वाले एंगल को हम ले लेते हैं। तो छोटा वाला एंगल क्या होगा, पाई में से अगर हम ये पाई बाई फोर माइनस कर दें तो ये हमारा ये एंगल आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये टेन टू एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा पाई टेन पाई माइनस पाई बाई फोर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टेन, ये एलसीएम लिया हमने, फोर पाई माइनस पाई, ये हो जाएगा हमारा टेन थ्री पाई बाई फोर। तो ये हमारी एक जनरल इसकी प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारे पास को मिल गया, ठीक है ना। तो अब हम आसानी से जो है जनरल सॉल्यूशन हम इसमें लगा सकते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या होगा इसका, जनरल सॉल्यूशन होता है टेन एक्स इज इक्वल टू टेन वाई, ठीक है ना। और एक्स इज इक्वल टू, तो ये हमारा बेसिकली टेन टू एक्स है, ठीक है ना। तो इसको हम लिख देते हैं टेन टू एक्स कर देते हैं यहाँ पे। तो टू एक्स इज इक्वल टू, ये मैंने आपको बताया था ये होता है एन पाई प्लस थीटा या एन पाई प्लस वाई। तो वाई हमना हमारे पास ये आया थ्री पाई बाई फोर, ठीक है ना। तो ये थ्री पाई बाई फोर लगा देंगे हम यहाँ पे, थ्री पाई बाई फोर। अच्छा, और x इजिकल टू, देन x इजिकल टू, ये टू को इधर हम कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा x इजिकल टू हो जाएगा n पाई बाई टू प्लस थ्री पाई बाई फोर टू जाए एट, तो ये हमारा एट आ जाएगा, ठीक है ना। और n बिलोंग्स टू इंटीजर, और n belongs to integer, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो इस केस में एक जनरल सॉल्यूशन हमारे पास ये आ गया और एक ही आ गया। तो स्टूडेंट्स, ये इस क्वेश्चन को करने का स्टेप्स थे, और मैं आशा करता हूँ आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। वैसे तो मैंने इसको काफ़ी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करी है, और फिर भी हो सकता है आपको कोई स्टेप मेरा ना समझ में आया हो, या कोई कहीं आपको डिफ़िकल्टी महसूस हो रही हो, ठीक है ना, हो सकता है। तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए उसे, ठीक है ना। और तो हो सकता है मैं आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। आप मेरे को अपना कांटेक्ट नंबर भी उसमें लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं मेरे को कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको फ़ोन करके भी उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है ना।
तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। फिर भी अगर लगे आपको तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, ठीक है? तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है ना? तो अब मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए ओके, बाय, थैंक्स।